मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तमाम ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। वेद विज्ञान केंद्र, वेदारण्यम कॉरिडोर, हेलीपोर्ट सहित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जहां वो अधिकारियों संग समीक्षा करेंगे, वहीं तीर्थ के वैदिक स्वरूप के अनुरूप विकास पर संत महंतों से भी चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों और विपक्षी दलों की सक्रियता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नैमिषारण्य दौरा अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि यहां सपा जून महीने में प्रशिक्षण शिविर लगा चुकी है और कांग्रेस 3 अक्टूबर को सीतापुर में जोनल अधिवेशन करने जा रही है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री वैसे तो दर्शन पूजन व स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं, लेकिन वो इस बीच विपक्षी दलों पर भी तंज कसकर उनकी चुनावी तैयारियों की धार को भी कुंद करेंगे। वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों, सपा के नैमिषारण्य में हुए प्रशिक्षण शिविर और उनके नेताओं के बयानों का भी तीर्थ नगरी से जवाब दे सकते हैं। वो भाजपा सरकार में तीर्थ के विकास और विपक्षी दलों की उपेक्षा का हवाला देकर उनको घेर भी सकते हैं। मुख्यमंत्री का करीब 3.25 घंटे तक तीर्थ नगरी में प्रवास का कार्यक्रम है। इसमें वो सबसे अधिक समय तीर्थ के विकास कार्यों की समीक्षा व धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों पर देंगे। इसमें दर्शन पूजन से लेकर संत महंतों से मुलाकात पर करीब 40 मिनट का समय रखा गया है, जो कि काशी मथुरा अयोध्या की तर्ज पर नैमिष के विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।